हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल कुक विद दुर्गा। और आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी एंड यमी मसाला डोसा। तो सबसे पहले हम एक कप उड़द की दाल और दो कप चावल हम रात भर इसे भिगो के रख लेंगे। और ये आप बनाने से एक दिन पहले कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें हम उड़द की दाल और जो हमने रात को भिगाया था वो दोनों डाल देंगे। और फिर उसके बाद इसमें पानी डाल के इसका बैटर रेडी कर लेंगे। और ये हमने बाउल में निकाल लिया है। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 पिंच नमक। और ये बैटर थोड़ा थिक हो गया तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बहुत यम्मी एंड टेस्टी लगेगा। सब ये रेसिपी खाना बहुत पसंद करेंगे। और ये देखिए, इसका बैटर हमको इतना नॉर्मली पतला कर लेना है। और अब हम चलते स्टफिंग बनाने की ओर। तो सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे और उस पर कढ़ाई या फिर पैन चढ़ा देंगे। बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। फिर इसको गरम करने के लिए छोड़ देंगे। और ये गरम हो गया हल्का, इसमें हम डालेंगे सीड्स यानी कि राई। इसे टॉस कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको जितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से आप मिर्ची डाल सकते हैं, बट हमने इसमें 3 से 4 मिर्ची कट करके डाला है। इसे हम लाइट ब्राउन कलर होने देंगे। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे बॉईल किया हुआ आलू। हमने इसमें 2 बड़े आलू डाले हैं। और इसमें हमने डाला अब होममेड पनीर। इसके बाद इसमें हम डालेंगे कैप्सिकम कट करके। इसके बाद इसमें हम डालेंगे टमेटो, 1 बड़ा टमेटो। ये सब डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये बात का ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम हो। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, इसलिए कि हमारे चैनल पे न्यू वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जा सके। और अब हम इसमें डालेंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर 1 पिंच। फिर उसके बाद इसमें हम स्प्रिंग कर देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद इसमें डालेंगे 1 पिंच या 2 पिंच गरम मसाला। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और ये देखिए फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता ऊपर से वॉश करके अच्छे से कट करके। और आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। और ये हो गया तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। और ये देखिए डोसा के अंदर स्टफिंग करने के लिए हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो अब हम गैस को ऑन करके पैन बैठा देंगे डोसा बनाने के लिए। फिर उसके बाद इसमें हम ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे पैन में। फिर उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे हम निकाल लेंगे। और ये देखिए ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें जो डोसा का बैटर तैयार किया था वो इसमें हम डालेंगे स्मॉल क्वांटिटी में। और ये डालने के बाद हम चम्मच के ज़रिए इसे फैला लेंगे राउंड सर्कल में। और ये देखिए एक साइड का हो गया। तो अब हम इसे टर्न कर लेंगे, दूसरी साइड चिपके ना। तो इसमें हम ऑयल डालेंगे 1 स्पून। ऑयल डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से फैल जाए पैन में। और फिर उसके बाद हम इसमें फिलिंग करेंगे जो हमने मसाला तैयार किया था। सर ये हम इसे रेक्टेंगल शेप देंगे, वो भी डोसा के सेंटर पार्ट पे हम इसे फिलिंग करने के लिए रखेंगे। और आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करें। ये देखिए फिलिंग भी हो गया, दूसरी साइड का हमारा डोसा भी पक चुका है। तो इसे हम टर्न कर देंगे आगे साइड पे दोनों साइड से। और ये बहुत ज़्यादा यमी एंड टेस्टी बना है। आप
प्लीज़ एक बार ट्राई करें। और इसे हम प्रेस करेंगे आगे से ताकि अच्छे से चिपक जाए डोसा। और इसे हम टर्न करेंगे, केयरफुली आप करिएगा। और हमने टर्न किया, इसे हम कट कर देंगे बीच से, बट ये बहुत ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी लग रहा है तो हम इसे बाद में कट करेंगे। और ये देखिए डोसा हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे पैन से। हम पैन को अच्छे से साफ कर लेंगे दूसरा डोसा बनाने के लिए। और हमने जैसे पहले बनाया था वैसे सेम टू सेम हम करेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बट इसमें हमने ज़्यादा तेल नहीं डाला है निकालने के लिए। और अब हम इस पे डालेंगे जो हमने डोसा के लिए बैटर तैयार किया था सेम क्वांटिटी में। और इसे हम चम्मच के जरिए मिला लेंगे अच्छे से, सर्कल शेप कर देंगे। हमें वैसे ही बनाना जैसे हमने फर्स्ट टाइम बनाया था, वैसे सेम टू सेम हमें प्रोसेस रिपीट करना है। और ये दूसरा मसाला डोसा भी हो गया है, तो अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। और मैंने ऊपर से गार्निश किया है धनिया पत्ता डेकोरेट में, और मैंने चटनी लिया है धनिया पत्ता और मिर्ची का। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। हम मिलते हैं।